Hi, this is Rayanshri Chadda. Hi, this is Kaveri Priya. Hi, this is Hema Sood. Hi, this is Paras Arora, and you are watching us on E-Times. Hi, this is Kaveri Priyam, and today I am here with the entire team of Dil Diya Galla. Not the entire team, but all the younger third generation. And we are going to have some fun, quirky segment on Friendship Day. So yes, let's begin. What do we like about each other? So Paras is nothing. No, everything actually. कुछ चीज़ें हैं बट अदरवाइज सब पसंद करते हैं, इसलिए तो इतनी अच्छी, वो मैं बाद में बताऊंगा ना कि अनोइंग चीज़ें क्या है, बट उसके अलावा सब अच्छा है, इसलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतने प्यार से हम सब काम करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, एक साथ खाते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी है यार, एक फैमिली की तरह बॉन्ड हो गया, अब तो बहुत टाइम हो गया हमें साथ में. आई थिंक फॉर मी एवरीबडीज प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब सब सेट पे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और किसी का शूट नहीं होता, कोई मिसिंग होता है या एबसेंट होता है, तो यू नो उसकी कमी खलती है. तो या फॉर मी एवरीबडीज प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम चार तो होने चाहिए, बिकॉज यू नो हमारा और बड़े लोगों का एज गैप ज़्यादा है, और आई वुड से कि जनरेशन गैप है, तो उनके साथ इतना बॉन्ड, उतनी मस्ती नहीं हो पाती जितनी हम चारों करते हैं. सो या एवरीबडीज प्रेजेंस. ओके फॉर मी आई वुड लाइक टू से कि पारस में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, दैट ही इज़ वेरी ह्यूमरस, एंड कभी कभी वो बिना जाने ही बहुत ऐसे जोक्स क्रैक कर देता है, एंड वी ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो बर्स्ट इन टू लाफ्टर. एंड कभी कभी तो सीन के बीच में ऐसा होता है. एंड रिया के बारे में मुझे ये बहुत पसंद है, दैट शी इज वेरी वेरी होमली, डोसाइल, वेरी वेरी क्यूट लिटिल गर्ल, गुड फ्रेंड. वेरी शी हैज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थॉट्स बेसिकली, जो कि आजकल की ज़माने की लड़कियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है. शी इज़ वेरी ओल्ड स्कूल. सो या एंड डॉलो के बारे में आई थिंक वो छोटी सी चीज़ का कितना बड़ा वो बनाता है, एज इन उसको बड़ा करके, लाइक लार्जर देन लाइफ उसको बना के वो एक्सप्लेन करता है, और घंटों और डेज तक उसके ऊपर हंसता रहता है. जैसे कि यू रिमेम्बर द स्कर्ट इंसिडेंट्स, एक ही दिन तो डिस्कशन. हां एग्जैक्टली, दैट इज हाउ आई नो डॉलर. सो आई लाइक द एनर्जी एंड द वाइब. वी ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी एंड वाइब हमारा सबका, एंड हमारे सीन्स भी ऐसे लिख के आते हैं कि उसमें हमारी एक नेचुरल बॉन्डिंग और हमारी जो एनर्जीज हैं वो मैच करती हैं, और तभी वो सीन्स भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं. सीन्स होते भी बहुत फनी हैं एट टाइम्स, और उसे करने में भी बहुत मज़ा आता है. तो अनटिल अनलेस हमारे बीच में वैसी बॉन्डिंग ना हो जो कि है, इसकी वजह से वो सीन्स भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं. सो आई थिंक हम हर एक इंसान एक डिफरेंट एनर्जी और वाइब लेके आता है. फ्रेंडशिप मीन्स टू मी लाइक पर्सनली इट मीन्स टू मी कि दोस्त है ना, मतलब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट अगर वो आपका दोस्त है तो यू एक्सेप्ट योर फ्रेंड एज ही और शी इज़, रादर देन आप सही गलत बता सकते हो, बट आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं अपने दोस्त को. आपने एक बार दोस्ती एक्सेप्ट कर ली तो आपके उसके फ्लॉज, उसके प्लस, आपको सब एक्सेप्ट करने चाहिए. फॉर मी फ्रेंडशिप इज आई थिंक with whom I can be myself and without any fear of being judged, and also सामने वाला कितना कैसे accept करता है उस चीज़ को. like my all my friends are very accepting the way I am, they don't judge me, and also they tell me on my face कि क्या सही है क्या गलत. so for me friendship is that bond which does not need long talks and talks every day, but you know that sort of understanding. और ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि भले ही हम 10 साल के बाद बात करें, लेकिन हम यू नो वी फील लाइक वी आर बैक, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर वी एंडेड. सो दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज फॉर मी. फॉर मी फ्रेंडशिप इज अबव एवरी रिलेशन. अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे नहीं हूँ जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, अपने सिबलिंग्स के साथ हूँ, तो मतलब वो मेरे लिए फ्रेंडशिप नहीं होगी. वो भी एक यू नो अपर लेयर ऑफ फ्रेंडशिप होगी, विच आई डोंट बिलीव इन. आई बिलीव इन डीप फ्रेंडशिप. सो फॉर मी फ्रेंडशिप इज़ यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन. या दैट्स इट. आई थिंक फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, और जितनी चीज़ें आप उनसे एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी, वो आप अपनी फैमिली से भी नहीं कर पाते हो कई बार.
क्योंकि कई अच्छी चीज़ें होती हैं आपके साथ, कई ख़राब चीज़ें होती हैं जो आप अपनी फैमिली को बता के स्ट्रेस नहीं देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जहाँ आप अपनी यू नो इनर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सको। तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक फ्रेंड होता है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा दोस्त होना। मैं ऐसे कोई प्रैंक नहीं करता हूँ, बट परेशान करता हूँ, थोड़ी मस्ती करता हूँ सबके साथ। और वैसे प्रैंक करने में हम में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर के, वो बाबूजी भी, डीपी सर, वो लोगों को परेशान करते हैं, वो यूनिट को भी परेशान करते हैं। वो हम में सबसे छोटे हैं अगर देखा जाए तो, इतना बचपन है उनके अंदर, इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिससे हम इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि यार इस एज में वो इतने एनर्जेटिक है। तो हम अभी कभी कभी ऐसे लेट बैक एटीट्यूड के साथ आते हैं, बट वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं, और वही आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रैंक करते हैं, राणा अंकल। तो हम वो इंजॉय करते हैं मोस्टली, सीन के बीच में। और एक सेकेंड, और किसकी वजह से? उसका ना उस अपने ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अगर इसे सीन चल रहा होगा, और मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली सीन के हिसाब से भी अगर मैंने लुक दे दिया ना रिया को। नहीं नहीं नहीं, द थिंग इज आई हैव अ इशू विद माय लाफ्टर, ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है, और पारस तो या और पारस इज अ पर्सन जो अपनी हंसी को कंट्रोल करना बहुत ही अच्छे से जानता है, तो वो तो मुझे सिखाता नहीं है, बट उल्टा मुझे और खराब कर रहा है। वो थोड़ा सा भी ऐसे नीचे देखे से स्माइल करता था, मेरी बहुत ज्यादा हंसी छूट जाती है। दैट इज द थिंग, सो द कल्प्रिट इज यू। या हाँ, मतलब वही हंसने वाली बात यार, सीन एकदम सीरियस चल रहा है एंड देन एवरीबॉडी यू नो लाफ, बट वो अनोइंग नहीं है, काइंड ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ शूटिंग, और वो फन भी है, तो आई वोंट से कि ये अनोइंग चीज़ है। मुझे मेरे पहले ज़्यादा सीन्स अमृता के साथ है, तो अनोइंग तो नहीं बोलूँगा, बट आई फाइंड इट लिटिल क्यूट कि अमृता थोड़ी स्लो है, स्लो ट्रेन है, तो थोड़ा ना स्लो चलती है, जो वो रीडिंग होती है तो उनकी एनर्जी बहुत ऐसे नीचे होती है कभी कभी, तो वो एकदम धीरे धीरे, तो सबको समझ में नहीं आता। मैंने रीडिंग की बात की, अभी की बात नहीं की। तो हाँ, और मैंने क्यूट बोला, अनोइंग नहीं बोला है उसको। ये दोनों भी करते हैं, और मैं खुद इनके साथ भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके ओके, दोस्ती में तकरार आ जाए इससे पहले। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, दोस्त बहुत कीमती होते हैं, तो जितने दोस्त आप अपनी लाइफ में बना सके बनाए, और उन्हें हमेशा वैल्यू करें, क्योंकि जब कोई नहीं होता ना साथ में, आप बाकी रिश्ते बनाते हो, और वो जब छोड़ के जाते हैं ना तो दोस्ती काम आते हैं, तो दोस्त बहुत जरूरी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई थिंक डिट्टो जो वीर ने कहा बिल्कुल वो बहुत सही है, और हर एक दोस्त कमीना भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कमीने दोस्त। मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके फ्रेंड्स बनाओ, बिकॉज दोस्तों के साथ ही लाइफ है, उन्हीं के साथ यू नो यू फील गुड, यू फील बेटर, यू फील फैमिली, सो मेक एज मैनी फ्रेंड्स यू कैन इन दिस लाइफ टाइम। या मैं फैंस को बोलना चाहूँगा कि हम बहुत सारे रिश्ते अपनी फैमिली के और सब ब्लड रिलेशन लेके आते हैं, लेकिन दोस्त ही एक ऐसा रिलेशन होता है जो हम खुद बनाते हैं, और उसमें हम एफर्ट्स डालते हैं और टाइम डालते हैं, और तो वो बहुत वैल्यू करो आप। इतनी आसानी से छोटे से आर्ग्यूमेंट्स पे या छोटी सी लड़ाई के ऊपर दोस्ती को तोड़ो मत, या अपने उस रिलेशनशिप को जाने मत दो, बिकॉज़ अगर वो रिश्ता आपने बनाया है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू करो आप।